एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। मनगढ़ंत कहानी है, बनाई हुई, लेकिन सार समझने के लिए है। एक बार एक युवक, 30 साल के आसपास का युवक है, सुबह उठता है। उठते ही जैसे ही आंखें खोलता है, सामने यमराज खड़े हैं। कौन खड़ा है? यानी अंत समय आ गया। यमराज को देखकर तो वो बौखला उठा, वो कहे इतनी जल्दी कैसे अंत समय आ गया? अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता, माता पिता को कुछ नहीं पता, बच्चा अभी अभी हुआ है, कितनी चीजें हैं, कितने पेपर हैं, ये है वो है, सब कोई करते हैं, इंश्योरेंस बनवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अब थोड़ी पता है इतनी जल्दी मृत्यु आएगी, तो किसी को समझाते नहीं, अभी तो खुद ध्यान दे रहे हैं। जब थोड़ी उम्र आती है तब बच्चों को समझाने लगते हैं। तो वो बौखला उठा, वो कहे अभी किसी को कुछ नहीं पता है, मैं चला गया तो क्या होगा मेरे परिवार का? यमराज कहे मुझे नहीं पता, तुम्हारा अंत समय आ गया, इसलिए काम मनगढ़ंत है, क्योंकि यमराज से ऐसी बातें नहीं कर सकते आप, वो आते और लेके चले जाते। तो यमराज ने कहा आज की जो लिस्ट निकली है, पहला नाम तुम्हारा है, उस हिसाब से तुम्हें ले जाना है। अब वो अपना दिमाग चलाता है, उसने कहा ठीक है, पर मुझे तो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पी के चलते। यमराज ने कहा ठीक है, तो वो उसके लिए चाय बनाते हैं, यमराज के लिए भी, उसमें नींद की दवा मिलाते हैं। यमराज चाय पीकर सो जाते हैं। सो गए तो उसने वो लिस्ट निकाली और अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई चलो अंत समय तो आना ही है, लेकिन पूरा दिन मिल जाएगा तो सबको बता दूंगा क्या कहाँ रखा है, किससे क्या बात करनी है। तो उसने अपना नाम एकदम नीचे लिख दिया। यमराज उठते हैं, व्यक्ति ने कहा चलिए आपने कहा था कि जाना तो पड़ता है, तो जो नाम जिसका है चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। फिर यमराज लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट निकाल कर यमराज ने कहा चलो तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे चाय पिलाई, वरना हर व्यक्ति तो मुझे गाली ही देता है, तो तुम्हारे लिए मैं आज की लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू कर। कहानी खत्म नहीं हुई, मृत्यु हो जाती है, वो भगवान के पास जाता है। अब भगवान ने उससे एक बात कही, ये ध्यान से सुनना, ये सुनाने के लिए ये पूरी कहानी बनाई गई थी। भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो भगवान कहते। मैं सब कुछ कर दूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर सही रास्ते पर चलकर, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूं उस पर विश्वास रखकर चलो। सफलता इतनी जल्दी प्राप्त नहीं, हमें देखने में लगता है। कई बार हम कहते ना कोई व्यक्ति सफल हो जाए, अरे तो रातों रात सफल हो गया, वो रातों रात के लिए उसने कितनी रातें निकाली होगी, जगा होगा, पड़ा होगा, वो किसी ने नहीं देखा है। पर सबके मुख में एक ही शब्द होता है, रातों रात सफलता मिल गई, वो रातों रात नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, समय लगता है। मैं समझदार हूं ना, मुझे पता है तुम्हारे लिए कब क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो मैं उस समय अनुसार तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तो महाराज ये सीख समझाते हुए, जरासंघ की कथा होती है।